हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं, सर्किट डायग्राम पढ़ चुके हैं। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे ओम्स लॉ एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एक एटम बनाया है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये और ये सब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मेटल के केस में क्या होता है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत लूजली बॉन्ड होते हैं, यानी कि उनके पास बहुत कम एनर्जी, यानी कि वो बहुत लूजली बॉन्ड होते हैं। तो थोड़ा सा भी एनर्जी मिलने पे ये फ्री टू मूव हो जाते हैं, मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो होता क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने एक कंडक्टर को ड्रॉ किया है, बड़ा करके मैं इसे दिखा रहा हूँ। ये एक बैटरी है, इसे तार से जोड़ा है इस कंडक्टर को, और ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं ये इसका एटम है। डॉट डॉट जो है ये एटम को शो कर रहा है, और ये ई जो आप बना हुआ देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो होता क्या है, किसी भी बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल में क्या होता है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हुए रहते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल में बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हुए रहते हैं। तो जब हम किसी कंडक्टर को, मेटल वायर को वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो होता क्या है कि वायर से होते हुए उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ये डायरेक्ट तो हवा से नहीं जा सकता ऐसे, यहाँ इकट्ठा है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नीचे में, यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो ये जब हम वायर से इसे कनेक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। और जब ऐसा होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, मेटल वायर्स में जो एटम्स हैं उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर फोर्स एग्जर्ट करने लगते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होने लगते हैं, और जब ऐसा होता है वो मूव करने लगते हैं एक डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो होने लगता है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, तो यानी कि करंट जनरेट हो जाता है। अब मैं अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं, तो ये ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा करंट बनेगा कंडक्टर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेंथ करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वीडियो में हमने अभी बताया था आपको कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे ही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को ही तो बताता है कि वो कितना स्ट्रांग है, और उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस भी वही बताता है। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज दोनों एक ही चीज़ होती है। तो यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, यानी हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा, ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, ज़्यादा करंट बनने लगेगा कंडक्टर में। ठीक है, यानी कि ये बात सही है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, जो अप्लाई किया है अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है। इसी चीज को जॉन सर जॉन साइमन ओम ने एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस चीज को वेरीफाई किया। 1872 समथिंग ऐसे ही कुछ ईस्वी में उन्होंने तो इस बात को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के। यानी कि अगर आपने जो कंडक्टर पे वोल्टेज अप्लाई किया है उसे बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज को दुगना कर दोगे तो करंट भी दुगना हो जाएगा, वोल्टेज को हाफ कर दोगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि, और एक बात याद रखना कि बट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बात पे खास जोर दिया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, और जिस भी आप कंडक्टर को एक्सपेरिमेंट पे लिए हो उसका फिजिकल डायमेंशन चेंज नहीं करना, ना ही उसे चेंज करना। अगर आपने आयरन का वायर लिया तो आयरन ही रहने देना, जितना साइज का लिया उतना ही साइज रहने देना, उसमें कोई
उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है और कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, तब जो अगर उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है तो अगर उसमें वोल्टेज हम डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाता है, वोल्टेज घटाएंगे करंट भी घट जाता है, यानी कि आई इज जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। और जब उन्होंने इस वोल्टेज और करंट का रेशियो लिया तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज चेंज करके तो करंट भी चेंज हुआ, तो हर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो रेशियो लिया वोल्टेज और करंट का तो वो हमेशा एक कांस्टेंट ही आ रहा था, उस रेशियो की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही थी। उस कांस्टेंट को ही लेटर आर से डिनोट किया जाता है, इसे ही कहा जाता है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये कांस्टेंट ही उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कहलाता है। और ये जो है ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस के अलोंग वोल्टेज है, एक्स एक्सिस के अलोंग करंट है, ठीक है, और ये लाइन जो है ये जो स्ट्रेट लाइन है ये दर्शा रहा है कि अप्लाइड वोल्ट, ये जो करंट है वो लीनियरली वैरी कर रहा है वोल्टेज के साथ, वोल्टेज जितना बढ़ा रहे हैं करंट भी उतना ही बढ़ रहा है, वोल्टेज को 4 गुना कर देंगे करंट 4 गुना, वोल्टेज को अगर 1/3 कर देंगे करंट 1/3, तो यही चीज बता रहा है, उसी का ये ग्राफ है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो मैं ई से दिखला रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जिसे वेक्टर ई से डिनोट किया मैंने, है ना। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझाई, और इसी को ओम्स लॉ कहते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यही ओम्स लॉ है। करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, एंड जो रेशियो है वोल्टेज एंड करेंट का वो हमेशा एक कॉन्स्टेंट आता है आर। तो अगर हम वी का वैल्यू लिखें इस इक्वेशन से तो क्या आएगा, आई टाइम्स आर, ठीक है, ये जो वोल्टेज इज इक्वल्स टू करेंट टाइम्स रेजिस्टेंस, ये कहाँ से आया, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यही तो है, ये फॉर्मूला यहीं से आया, ओम्स लॉ ने जब इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए उसी से ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो और अब हम आगे रेसिस्टेंस देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, तो आपने ये सारे नोट कर लिए होंगे, आगे मिटाते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है उसे समझिए, जब किसी पाइप में पानी फ्लो हो रहा होता है तो जब आप उस पर पैर से आप उसे दाब दोगे तो पानी का फ्लो कम हो जाता है, उसी तरह तो ये जो पानी का फ्लो कम हुआ किस वजह से हुआ, आपके पैर रखने की वजह से फ्लो कम, इसका फ्लो कम हुआ है ना। तो उसी तरह जब मेटल वायर्स या कंडक्टर्स में करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है तो उस कंडक्टर का वो गुण, जिस गुण की वजह से वो जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें रुकावट पैदा होती है, उसी गुण को उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है, उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कहा जाता है।
क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के जिस गुण की वजह से करंट के फ्लो का विरोध होता है, उसमें रुकावट पैदा होती है, उसे ही रेसिस्टेंस कहा जाता है उस कंडक्टर का। तो ऐसा होता क्यों है, अब हम उस चीज को समझते हैं। तो मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक मेटल वायर है, ठीक है, ये एक मेटल वायर है, इसमें ये कुछ इसके एटम्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ। उस तरह से बहुत सारे एटम्स रहते हैं, मैं आपको दिखलाने के लिए और समझाने के लिए इतना दूरी दूरी बना रहा हूँ, ये काफी क्लोज रहते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, एटम है। ये जो व्हाइट व्हाइट ये सर्किल से मैं दिखला रहा हूं, ये एटम है मेटल वायर का, और ये जो ब्लैक डॉट है, ये जो ब्लैक डॉट है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो जब मैंने इसे बैटरी से जोड़ता हूं, तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो करंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो होता क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जाते हैं, पर चूंकि सॉलिड में एटम्स के बीच गैपिंग कम होती है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका कोलिजन होता है एटम्स के साथ, मेटल वायर के एटम्स या आयन के साथ कोलिजन होता है, तो उसमें वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देते हैं पूरी तरह से, या तो कम हो जाती है उनकी काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे में क्या होता है, जो जिन सारे इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी काइनेटिक एनर्जी कम कर ली है, तो वो तो यहीं रुक जाते हैं, और जिन्होंने नहीं की है, जो जिनका कोलिजन नहीं हुआ, वो स्मूथली मेटल वायर के अदर एंड से निकल जाते हैं। यानी कि होता है क्या, मेरा करंट कम हो जाता है। करंट क्या है, एक सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस पॉइंट से, किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा, उसे तो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो अगर मान लो कहीं कोलिजन नहीं हो रहा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में इस एंड से इस एंड निकल रहे थे, लेकिन अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हो रहा है एटम के साथ, वो अपनी एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो वो थोड़ा देर बाद उस एंड पर पहुंच रहे हैं। तो मेरा एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से निकल रहा, वो तो कम हो गया ना, यानी कि मेरा इलेक्ट्रिक करंट कम हो गया। तो रेसिस्टेंस बेसिकली इसीलिए किसी भी मेटल वायर या कंडक्टर में पैदा होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, अगर मैं इस वायर का लेंथ बढ़ा दूं, तो ये कॉलिजन और लंबा दूरी तक चलेगा, कॉलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि एंड पॉइंट से इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे वो और कम निकलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। इसी गुण को तो रेसिस्टेंस कह रहे थे, ऐसा टकरा रहा था कम, करंट कम हो रहा था, इसी गुण को तो रेसिस्टेंस कह रहे थे। तो यानी कि अगर हम मेटल वायर का लेंथ बढ़ा देते हैं, तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, कॉलिजन ज्यादा होंगे। और दूसरी तरफ ये तुम सोचो कि अगर मैं मेटल वायर का क्रॉस सेक्शन जो होता है, किसी भी वायर का आप क्रॉस सेक्शन लोगे ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये जो आप सर्कुलर बना हुआ देख रहे हो सिलेंडर के पास, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है ये इसका। तो अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देता हूँ, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन का बढ़ा देता हूँ, तो मेरे पास तो ज्यादा गैपिंग मिलेंगी ना इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए, यानी कि कोलिजन कम होगा, पहले जितना हो रहा था उससे कम कोलिजन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि R यानी रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ जितना ज्यादा बढ़ाएंगे कोलिजन उतना ज्यादा हो सकता है, यानी कि रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, एरिया जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि कोलिजन के चांसेस कम होंगे, और एरिया जितना कम करेंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा। आया ये बात समझ में? तो आप ये चीज समझ गए होंगे, और आप डेफिनेशन भी देख लिया होगा।
मैं ऊपर थोड़ा मिटा देता हूँ, फ्री कर देता हूँ स्पेस। तो अगर इन दोनों लॉ को मैं कंबाइंड रूप से लिखूं, यानी कि पहले तो लिख दूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों लॉ को कंबाइन कर दिया, यानी कि R रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये दोनों लॉ को कंबाइंड रूप से इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना चाहते हैं और इक्वलिटी साइन लाना चाहते हैं। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि आर इज इक्वल टू जैसे करते हैं तो हमें एक अपने मन एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उस कांस्टेंट को मान लिया रो, ये सिंबल रो का ऐसे दे दिया, रो आ गया वो, और एल बाई ए तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये जो है रो, ये रेसिस्टिविटी है, ये रेसिस्टिविटी है रो किसी भी कंडक्टर का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास रेसिस्टेंस का। किसी भी मेटल वायर का अगर रेसिस्टेंस चाहिए तो एक तो उसका रेसिस्टिविटी पता होना चाहिए। रेसिस्टिविटी हर मेटल के लिए स्पेसिफाइड होता है, फिक्स होता है, वो लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो पता होना चाहिए। और लेंथ उसका कितना आप लंबाई में नाप रहे हो उसे वो पता होना चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या वो पता होना चाहिए, तो हमें रेसिस्टेंस पता चल जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इस तरह से आता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेसिस्टिविटी के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ एजुकार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए फर्दर वीडियोज़ बनाने की। थैंक यू सो मच।